दोस्तों आप ये देख रहे हैं, हमने गुलाब के पौधे का एयर लेयरिंग कर रखा है और ये चल रहा है अप्रैल का महीना, अप्रैल का लास्ट चल रहा महीना। और गर्मियों में दोस्तों एयर लेयरिंग एक बहुत ही बड़ी समस्या होती है, जल्दी सक्सेसफुल नहीं होता है। दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट से देखिए कि गर्मियों में एयर लेयरिंग कैसे करते हैं और वह भी 100% सक्सेसफुल के साथ। जो ये आप देख रहे हैं जो स्टेम है, इसी स्टेम का हम आपको दिखा रहे हैं एयर लेयरिंग करके। अब देखिए देखिए मोटा स्टेम है, थोड़ा सा इसे आप पतला भी ले सकते हैं, इसे ये आप देख रहे हैं इसको ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये अभी मैच्योर नहीं है, लेकिन जो ये स्टेम मैच्योर हो गई है। तब इसको हमें करना क्या है कि इसको अच्छे तरीके से हम यहाँ से एक कट लगा लेते हैं। और दोस्तों ये जो कट आप लगाते हैं तो आपको ध्यान इसमें ये देना होता है कि जो भी छिलका होता है, छिलका ये बचने ना पाए, अच्छे तरीके से आप कट लगाया करिए। देखिए दोस्तों अच्छे तरीके से ये साफ़ हो गया और इसको एक बार हल्का से इस तरीके से आप इसे अब ये रगड़ के साफ़ कर दीजिए। देखिए ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ये साफ़ हो गया। अब इसके बाद एक काम हमको ये करना है कि मेरे पास इस तरीके का था, और अगर आपके पास ग्लास होगा तो ग्लास में भी इसको यूज कर सकते हैं। इसको आप कट कर दीजिए, देखिए इस तरीके से हमने कट कर दिया। अब इसको लगा देते हैं। देखिए ये हो गया फिट। अब आपको काम ये करना है कि इसको अच्छे तरीके से नीचे एक सपोर्ट दे देना है। दोस्तों सपोर्ट देना आपको बहुत ज़रूरी है। तो सपोर्ट के लिए आप करना क्या है, इस तरीके से आप कुछ भी आप ले लीजिए, रस्सी ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए सपोर्ट देकर, और इस तरीके से इसको बांध दीजिए ताकि ये नीचे आने ना पाए। अब उसके बाद इसके जो सोयल मीडिया हमको यूज करना है आपको हम दिखा दें, देख सकते हैं ये है बर्मी कंपोस्ट और ये है कोकोपीट, दोनों की बराबर मात्रा में हमको यूज करना है और दोनों को हम मिक्स कर देते हैं। और इसके बाद इसको हल्का सा मॉइस्चर कर लेते हैं। अब इसको हम इसमें भर देते हैं। अब इसके बाद एक काम ये करना है कि जो इसका ढक्कन है, ढक्कन को भी इस तरीके से हम कट कर लेते हैं। देखिए ढक्कन को भी हमने पूरा ये पैक कर दिया। अब इसमें आपको काम ये करना है कि जो दोस्तों जो भी आप कट लगाए हैं, इस कट को अच्छे तरीके से आप इसे टेप से चिपका दीजिए। दोस्तों देखिए इसको अच्छे तरीके से हम इसको सपोर्ट भी कर दे दिए ताकि ये कहीं नहीं जाने नहीं पाएगा। उसके बाद एक काम आपको इसको ये करना है कि जैसे इस टाइम पे दोस्तों ये गर्मियों के मौसम में अगर एयर लेयरिंग आप कर रहे हैं तो इस तरीके एक ले लीजिए कपड़ा और इस कपड़े को आप एकदम भिगो लीजिए। और भिगोने के बाद करना क्या है कि इस तरीके से आप इस पर ये लपेट दीजिए आप। इसके बाद एक काम ये करना है कि गर्मियों में अगर एयर लेयरिंग आप कर रहे हैं तो आपको हर दो दिन पे, तीन दिन पे इस तरीके से इसको कपड़े को इसको भिगोते रहना है, ये आपको ध्यान रहे। इसके बाद इसका अपडेट आपको हम दिखाते हैं। दोस्तों आज पूरे 25 दिन हो गया और 25 दिन बाद का इसका रिजल्ट आपको हम दिखाते हैं।
ये देख सकते हो, देखिए रूट यहाँ से निकलना ये शुरू हो गया है। आप ध्यान से देखिए, अब इसको करना क्या है, इसको हम यहाँ से कट करते हैं। और दोस्तों कट करने के बाद आपको इसका अपडेट आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ से हम कट कर लेते हैं, देखिए यहाँ से इसको हम कट कर लिए और देख सकते हैं ये, और इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसका दिखाते हैं आपको इसका अपडेट। ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद आपको रियल दिखाते हैं। दोस्तों इसमें कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना है, जैसे गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और ये टेम्परेचर में दोस्तों इसको बहुत नम बना के आपको रखने की ज़रूरत है। अगर नम नहीं बना के रखेंगे तो फिर दिक्कत ये होगा कि जल्दी से इसमें रूट नहीं आएगा। इन सब चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बाकी बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें रूट आ जाएगा। देख सकते हैं आप, देखिए कुछ रूट इसमें डिस्टर्ब हो गया, टूट गया, लेकिन ये बहुत ही अच्छे तरीके से अभी ये एक ग्रो कर जाएगा। अब इसको आपको करना क्या है कि इसको आपको लगा देना है। और देखिए इस टहनी को हम कट कर देते हैं और इसको भी कट कर देते हैं। और इसको यहाँ से थोड़ा सा आप और नज़दीक से कट कर दीजिए, और इस पोटिंग में तैयार करके इसको आप लगा दीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों ये ग्रो कर जाएगा। पोटिंग मिक्स में आपको क्या क्या लेना है, जैसे दोस्तों आप जानते हैं कि पोटिंग मिक्स, अगर गुलाब का थोड़ा सा रिच पोटिंग मिक्स अगर नहीं तैयार करेंगे तो थोड़ा सा इसको ग्रो करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो सबसे पहले देखिए हम इसमें ले लेते हैं कंपोस्ट। कंपोस्ट में दोस्तों सड़ी हुई गोबर की खाद ले लीजिए, या आपके पास बर्मी कंपोस्ट, किसी ने उसका कंपोस्ट जो भी है। उसके बाद इसमें दूसरा चीज़ हमको क्या लेना है, इसमें गार्डन सॉयल ले लेना है, और गार्डन सॉयल और कंपोस्ट की दोनों की मात्रा आप सेम ले लीजिए। उसके बाद इसमें आप ये रेत ले लीजिए जिसे रिवर सैंड कहते हैं, और उसके बाद इसमें आप तीन चार चीज़ और इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए ये है नीम की खली, यह है बोन मील, यह है जाइम, और यह है रॉक फास्फेट। तो सो चारों को हमने ले रखा है और इसमें डाल के इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ये एक हैवी पोटिंग मिक्स बन के हो गया तैयार, और इसको हम लगा देते हैं। पहले अभी इसको हम लगाएंगे 10 इंच के ही गमले में, उसके बाद जब ये पौधा बड़ा होगा तो इसके बाद इसको हम बाद में इसको रिपोर्ट करेंगे। और इसको हम देते हैं पानी, और पानी देने के बाद दोस्तों इसको टेम्परेचर का इसमें समय है, गर्मी बहुत तेज़ है, तो अब इसे छाया जगह पर रखिए कम से कम 2 से 3 दिन तक। उसके बाद इसको आप जहाँ पे धूप छन के आती है वहाँ पे 1 सप्ताह रख दीजिएगा, और उसके 1 सप्ताह बाद इसको आप रख दीजिएगा डायरेक्ट सनलाइट में, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करना ये शुरू हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।